लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एडिशन ऑफ द टू रैशनल नंबर सीखे थे, उसी को आज हम आगे प्रोसीड करेंगे पार्ट टू में। आज हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ मोर देन टू नंबर्स, इट मे बी 3, इट मे बी 4, इट मे बी 5, ओके, एंड वेरिफिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। आप वेरीफाई किस तरह से करते हैं वैल्यूज़ का, एक्स एंड वाई का, वो भी देखेंगे। तो चलिए सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, -5/10 +6/13 +8, ओके। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दो रैशनल नंबर का एडिशन देखा था, इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। तो इसे जैसे हम लोग टू रैशनल नंबर का एडिशन करते हैं फ्रैक्शन से, सॉरी एलसीएम मेथड से, उसी तरह इसे भी करेंगे। जितने भी इसके डिनोमिनेटर है उसको हम लोग सबसे पहले उसका एलसीएम लेंगे, ओके। तो इसके एलसीएम कितने आ जाएंगे, 10, 13 एंड 8 के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसे हम लोग 1 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी एलसीएम आ जाएगी 130, ओके। नाउ 10 से इसे डिवाइड करेंगे, ओके। तो 13 टाइम 13 5 सा, ओके, यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ओके। 13 5 सा 65, ओके, और यहाँ माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ प्लस की साइन है तो हमें यहाँ प्लस की साइन लिखना, लेकिन पहले देख लेंगे इसमें से भी किसी के पास माइनस साइन है, नहीं है, तो चलिए प्रोसीड करते हैं। 13 से 130 को डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स में, तो 10 इंटू 6 60, देन इट इज़ प्लस 60, ओके। अगेन प्लस की साइन है, कहीं भी कोई माइनस की साइन नहीं है, प्लस 130 इंटू 8, ओके ओके। तो नाउ अब इसमें से हम सबको एडिशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एडिशन, इन दोनों को तो एडिशन करेंगे, लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन है, हमको करना एडिशन है। तो जस्ट लाइक इंटीजियस में जिस तरह से हम लोग माइनस सब्ट्रैक्शन के साइन जिस नंबर के पीछे रहता है उसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, और जो जिसके पीछे एडिशन के साइन होती है उसे एडिशन करते हैं, ओके। तो -65 प्लस, इन दोनों को ऐड करेंगे, ओके। अब 1100 से -65 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन करने से कितना आएगा हमारा, ओके, 5, 9 माइनस 6 3, ओके, 135/130। अब इसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा क्या चीज़ से डिवाइड होगा, कॉमन डिवाइजर क्या है दोनों के लिए, 5 है कॉमन डिवाइजर, तो 5 से करेंगे, 5 2 इज 10, 0, 5 7 जो 35, 5 2 इज 10, 5 6 दिस इज द आंसर, ओके। इसे जस्ट हम लोग, पहले भी मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, इसे हम लोग जैसे फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते हैं उसी तरह से फॉलो करना, सेम रूल को फॉलो करना, बस हमें यहाँ साइन पे ध्यान देना है, प्लस माइनस के साइन के जब भी हम लोग साइन का मल्टीप्लिकेशन करवाए उसमें प्रॉपर ध्यान देना है, ओके। अब तो नेक्स्ट चलते हैं वेरीफाई, ओके। तो वेरीफाई के लिए आपको कुछ इस तरह के सम्स रहेंगे, किसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई एक्स प्लस इन ब्रैकेट वाई प्लस जेड इजकल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज प्लस जेड, ओके। इसके लिए एक्स वाई एंड जेड की वैल्यूज आपको इस तरह से दी रहेगी। तो इसे वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर देखिए दो साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। तो हम लोग इस सम्स को दो पार्ट में करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेंगे टेकिंग एल एच एस, टेकिंग एल एच एस इट मीन्स टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ओके। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को पिक करते हैं जेड, ओके। अब इसमें हमें क्या करना है, नेक्स्ट से
एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू एंड जेड की वैल्यू, जो भी वैल्यू है इसे पुट करना और देन सॉल्व करना है. ओके, तो एक्स की वैल्यू क्या है मेरी, 3/4 प्लस ब्रैकेट ओपन, वाई की वैल्यू 5/6 नेक्स्ट प्लस जेड, प्लस जेड की वैल्यू -7/8. ओके, अब इसे हमें प्रोसीड करना है 3/4. सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस तरह के सम्स होते हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो सम्स है उसे हम लोग सॉल्व करते हैं. तो ब्रैकेट के अंदर इसे सॉल्व करने के लिए मुझे 6 और 8 की क्या लेनी पड़ेगी, एलसीएम लेनी पड़ेगी. तो एलसीएम की इसकी 6 और 8 की क्या आई मेरी, 24. ओके, देखिए मैंने यहाँ पर रफ़ किया है, 6 और 8 की एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे. ये सब वर्क जो है हमारा रफ वर्क, वो हमें रफ वर्क साइड में कॉलम बना के दिखाना बहुत ज़रूरी होता है एग्जामिनेशन में, तो आप लोग जरूर से दिखाइएगा. ओके, तो अब 6 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 6 4 जो 24 4 × 5 20. ओके, प्लस 3 × 7 21. अब देखिए यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, -21. अब देखिए -21 है तो ये प्लस है, तो इन दोनों को करने से यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस. ओके, तो आगे प्रोसीड करते हैं इसे, 3/4 प्लस, अब देखिए यहाँ माइनस के साइन आ जाएगी हमारे, 20 - 21/24. हमें डेसिमल नंबर में इसी प्लस और माइनस का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और ये आप ध्यान रखेंगे तभी सम्स आगे सही सही सॉल्व प्रोसीड हो पाएगा. 3/4 प्लस, अब देखिए यहाँ पर माइनस का साइन ग्रेटर है तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1/24. नाउ अगेन हम लोग को सेम प्रोसीड करना पड़े, सेम तरीके से प्रोसीड करना पड़ेगा. 4 और 24 के हम लोगों के एलसीएम फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो 4 और 24 का एलसीएम हम लोग यहाँ पर रफ वर्क में कर लेंगे, 4 × 1 = 4 4 6 = 24. तो हमारा एलसीएम क्या निकलेगा, 4 6 = 24 ही रहेगा. ओके, तो नाउ 24 ले लेते हैं, 4 6 = 24, 6 3 = 18. ओके, अब यहाँ पर देखिए 24 1 = 24 वन टाइम में. ओके, लेकिन यहाँ माइनस है तो -1 × 1 तो क्या हो जाएगा हमारा, -1 एंड सो इज इक्वल टू 17/24. ओके, ये माइनस है तो -1 × 1 इक्वल टू -1, तो ये हमारा आ जाएगा 17/24. किसका आया 17/24, LHS. अभी ये सम्स कंप्लीट नहीं हुई, अब हम लोग जो यहाँ पर देखे सम्स है, ये राइट हैंड साइड ये साइड को बचा, अब इस साइड को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे इसकी आंसर हमारा 17/24 आता है या नहीं. तो उसी तरह हम लोग लिखेंगे taking RHS, इट मीन्स राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में मेरा क्या है, x + y (close) + z. ओके, तो इसी तरह सब x की वैल्यू क्या है हमारी, ओके, x की वैल्यू, y की वैल्यू, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू सेम चीज़ पुट करेंगे जिस तरह से हम लोग LHS में पुट किया था. ओके, x की वैल्यू यहाँ पर हमारा है 3/4, y = 5/6 प्लस z = -7/8. ओके, अब इसे सेम तरीके से हमें सॉल्व करना है. तो हमारा नया इक्वेशन ये बना था, इसे अब सॉल्व करना है. तो इसे भी सॉल्व करने का सेम तरीका है. ओके, यहाँ पर हम लोग इक्वल टू नहीं लिखते, यहाँ पर हम लोग और यूज़ करते हैं. अब इन दोनों का हम लोग को एलसीएम लेना है, 4 × 6 का एलसीएम,
ये हो जाएगा। इन दोनों का भी हम लोग एलसीएम फाइंड आउट कर लिए, एलसीएम 24 आया। अब इसे जस्ट एक सेम प्रोसेस से प्रोसीड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस दो साइन है, तो हम लोग यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करवा लेंगे। यहाँ पर पहले साइन पुट नहीं करेंगे। 8 3 24 3 7 21 ओके 3 7, लेकिन यहाँ माइनस की साइन, यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस ओके। और हमारा आंसर क्या रहता है, 8 - 1 7 1 24 ओके। तो यहाँ पर मेरा RHS इज़ इक्वल टू 17/24 और LHS इज़ इक्वल टू यहाँ पर देखें हम क्या मिला था हमें, LHS इज़ इक्वल टू 17/24। दिस इज LHS इज़ इक्वल टू 17/24। इट मीन्स बोथ साइड आर इक्वल, इट इज वेरीफाइड। देयरफॉर बोथ साइड आर 17/24, इट मीन्स देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, इट इज वेरीफाइड। This is the answer. I think these sums are clear for all of you. Okay, thank you. Bye bye. अब हम लोग मिलेंगे subtraction of rational number की videos में. Okay, bye bye.